हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेसन दहनाई ऑफ बिसमिल्ला खान सो बिफोर यू रीड डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले तो यहाँ पे कुछ पीपल की फ़ोटोज़ दी गई है विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको ये ढूंढ निकालना है कि ये कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट है और ये एक्सपर्ट्स जो म्यूजिशियन है ये कौन है तो ये आपको जानना है क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी आपके काम आएगा थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेशन और फंक्शन तो जब भी हम शहनाई की बात करें तो सबसे पहले वेडिंग या उस तरह के जो भी फंक्शन है वो हमारे माइंड में आ जाते हैं द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यूज बिस्मिल्ला खान और जब भी शहनाई का नाम आता है तो हमारे दिमाग में उस्ताद बिस्मिल्ला खान का भी आ जाता है माइंड में द शहनाई मैस्ट्रो मैस्ट्रो मीन्स म्यूजिशियन तो शहनाई के वो संगीतकार थे प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट और वो ही इस मतलब के शहनाई को बजाया करते थे नाउ टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी एम्पेयर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ स्ल अनप्लिस साउंड तो सम्राट औरंगजेब ने बैन लगा दिया था पुंगी बजाने के लिए जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर बैन लगा दिया था और वो भी कहाँ पे शाही निवासों पर तो रॉयल मीन्स शाही रेसिडेंस मीन्स निवास क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम तीखी थी और अनप्लिसेंड अप्रिय लगती थी तो इसलिए उसको बैन लगा दिया था पुंगी बिकेम द जनरिक नेम फॉर रीड इट नॉइस मेकर तो जनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ हॉल तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप थे उन सब ग्रुपों में से पुंगी को नॉइस मेकर के नाम से उबारा गया था फ्यू हैड थाट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड कुछ लोग ऐसा मानते थे कि पुंगी को पुनर्स्थापित किया जाएगा वापस अब बारबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन तो बारबर मीन्स एक नाई की फैमिली थी जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे प्रोफेशनल मीन्स व्यवसायगत म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार थे हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस जहाँ पे उनको रॉयल पैलेसों में उस वो बजाया करते थे डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे मतलब सुधारेंगे जैसी अनप्लीसेंट है या साउंड श्रील और अनप्लीसेंट तो उसको हम मेलेडियस बनाएंगे तो ऐसा उन्होंने डिसाइड कर दिया ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वॉज लोंगर एंड ब्रॉडर देन द पोंगी तो उन्होंने पाइप चूज की जिसकी हॉलो स्टीम जिसकी जो स्टीम होती है जैसे कि कोई भी डाली होती है उसके बीच में हॉल होता है जैसे कि हम बाँसुरी में देख सकते हैं तो उस तरह की उन्होंने स्टीम ली पसंद करी और जो उन्होंने स्टीम पसंद करी वह पोंगी से थोड़ी लंबी थी और थोड़ी चौड़ी थी एंड मेड सेवन हॉल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप और उस पाइप के ऊपर उन्होंने सेवन हॉल बना दिए थे वैन ही प्लेड ऑन इट तो जब भी उसको बजाते थे क्लोजिंग एंड ओपनिंग समीस हॉल्स तो उस हॉल को कुछ हॉल्स थे ऊपर सेवन हॉल में से कुछ हॉल में से उसको उंगली रख के बंद करते थे चालू करते थे बंद करते थे चालू करते थे और इस तरह से उसको बजाते थे सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंडस वेर प्रोड्यूस्ड तो उसमें से जो आवाज़ निकली वो कैसे निकली सॉफ्ट एंड मेलेडियस तो बहुत मधुर आवाज़ उसमें से प्रोड्यूस होने लगी मतलब निकलने लगी ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड तो उन्होंने रॉयल्टी मीन्स जो राजघराना शाही थे वहाँ पे उनके सामने उसको बजाया और सबके सब बहुत इम्प्रेस हुए उस आवाज़ को सुनकर द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी तो ये जो वाद था वो पुंगी से पूरी तरह अलग था हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम उसको दूसरा नाम नया नाम उसको दिया गया एज द स्टोरी गोज जैसे हम स्टोरी आगे जाते हैं सिंस इज वर्ट्स फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर तो उसको सबसे पहले शास के चैम्बर में बजाई गई चैम्बर मीन्स कक्ष तो शास जो राजा थे उसके कक्ष में बजाई गई एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई और उसको किसने बजाया था नाई के द्वारा बजाई गई द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई फिर इस इन्स, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया था शहनाई रखा गया था द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पीसीस तो इस साउंड को ऑस्पीसियस मतलब बहुत महत्व दिया गया था प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फ्यूचर तो गुड लक ऑस्पीसीस को यहाँ पे गुड लक के मानकर उसको बजाया गया शुरुआत में एंड फॉर दिस रीज़न और इस कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिपेंडेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग और इसी कारण कि सब मंदिरों में इसको बजाया गया और सब जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है शादियों में तो उसमें भी इसको जगह दी गई इन द पास्ट भूतकाल में द शेनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एनसेबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कॉर्ट्स तो इनडिपेंसेबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ अ वर्क कैन नॉट बी डन तो वो पार्ट बन गया था नौबत मतलब जब शाही इंस्ट्रूमेंटों में उसकी जगह दी गई और उसको अकेले बजाया नहीं जाता था तो इस तरह से उसको रखा गया था रॉयल कोर्ट्स में टिल रिसेंटली और अभी तक इट वॉज़ यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स और तभी से लेकर अब तक वो मंदिरों में और शादियों में बजाए जाते हैं द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिसमिल्ला खान तो जो उसकी क्रेडिट दी जाती है तो क्लासिकल मतलब शास्त्रीय तो स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिसमिल्ला खान तो वो क्रेडिट किसको दी गई है बिसमिल्ला खान को तो क्योंकि पहले इस इंस्ट्रूमेंट को अकेले नहीं बजाया जाता था बट बिसमिल्ला खान ने वो क्रेडिट ली है कि अब वो अकेले भी बजा कर उसका मजा ले जा सकता है थर्ड एज अ फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ट इन द एंशियंट ईस्ट एस्ट ऑफ डुमरा इन बिहार तो जब पाँच साल की उम्र में बिस खान गिल्ली डंडा नदी के किनारे पुराने प्राचीन एंशियंट मीन्स प्राचीन जो किले थे डुमरा में तो वहाँ पे खिला करते थे ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य तो वो नियमित रूप से भोज बिहार जी टेम्पल था वहाँ पे वहाँ पर जाके भोजपुरी चैत्य गाया करते थे एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू विनिंग वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव के जी एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा तो फिर जब वो गांच चैत्य गाच गाते थे तो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनको वो बहुत बड़ा लड्डू देते थे जिसका वेट कितना होता था वन किलो एंड ट्वेंटी फाइव ग्राम्स इतने वेट का एक बड़ा सा लड्डू उनको एंड में दिया जाता था दिस हैपन्ट दिस हैपन्ट एटी ईयर्स एगो ये तो अस्सी साल पहले की बात है एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फॉर टू अर्थ एंड हाइस्ट सिविलियन एवॉर्ड इन इंडिया फिर जो ये छोटा सा बच्चा था वो हर जगह घूम ट्रैवल फार मतलब बहुत दूर दूर तक वो घूमा और हाईएस्ट सिविल एवॉर्ड उसको मिला तो हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा सिविलियन मतलब नागरिक एवॉर्ड उनको मिले थे इंडिया के अंदर द भारत रत्न तो भारत रत्न सबसे बड़ा इंडियन एवार्ड है तो वो भी उसको मिला था बॉर्न ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन सिक्सटीन तो उनका जन्म इक्कीस मार्च उन्नीस सौ सोलह में हुआ था Bismillah बिलोंग्स टू तो अ वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन from बिहार तो बिसमिल्ला खान जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे मतलब उन उस घराने से संबंध रखते थे बिहार के हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान तो उसके ग्रैंडफादर दादाजी रसूल बक्स खान वाज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कॉड तो वो वहाँ पे काम करते थे भोजपुर के जो नवाज थे तो वहाँ पे उनकी दरबार में ये बजाया करते थे हिज फादर पैगम्बर बक्श एंड अदर पेरेंटल एनसेट और वेयर ऑल्सो ग्रेट शन प्लेयर्स तो उनके फादर थे पैगम्बर बक्श और पैटर्नल एनसेटर मतलब जो पूर्वज बोलते थे पापा के मतलब पापा होंगे दादाजी होंगे कि उनके दादाजी होंगे तो वो जो कोई भी थे वो सब सब के सब सेनाई प्लेयर्स हुआ करते थे